हाय गाइस, दिस इज सचिन कपूर फ्रॉम SCA लाइव। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। ये कोई रेगुलर वीडियो नहीं है, कुछ पढ़ाऊंगा नहीं आपको, सिर्फ आपसे बातें करूंगा, सिर्फ आपसे एक बहुत हेल्दी डिस्कशन करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, वो भी पूछते हैं जो ऑलरेडी IT में हैं, वो भी पूछते हैं जो IT में आना चाह रहे हैं। क्या टॉपिक हो सकता है, गेस करिए। बिल्कुल सही, क्या वेब डेवलपमेंट सैचुरेटेड हो गया है? क्या अब हम वेब डेवलपमेंट करना छोड़ दें? वेब प्रोग्रामिंग का कोई मतलब नहीं रह गया है? आज इस टॉपिक के बारे में बातचीत होने वाली है। तो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, रिसेशन आ चुका है, AI आ चुका है, कंपटीशन मार्केट में इतना बढ़ गया है, तो हम वेब डी करें या ना करें, वेब डी मतलब वेब डेवलपमेंट करें या ना करें, इस लाइन में आगे जाएं या ना जाएं। चलिए मान लेते हैं वेब डेवलपमेंट सैचुरेटेड हो गया है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सैचुरेटेड हो गई है, मान लेते हैं कोई जॉब नहीं है, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो गई है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, मान लेते हैं, एग्रीड। तो अब क्या करें? चलो फील्ड दूसरी एक्सप्लोर करते हैं। वेब डेवलपमेंट में तो स्कोप रह नहीं गया, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना जीवन यापन करने के लिए, तो क्या करा जाए? रेस्टोरेंट खोल लें? नहीं, वो भी नहीं खोल सकते, बहुत सारा कॉम्पिटिशन उसमें भी है, बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट, छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं। चाय की दुकान खोल के देखते हैं, वो भी नहीं कर सकते, अपने घर के आसपास इतनी चाय की दुकानें बढ़िया चल रही हैं, हम कैसे उनके सामने कॉम्पीट करेंगे? क्या करा जाए? क्रिकेटर बने? वो भी नहीं बन सकते, उसमें ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं बन सकते, ऑलरेडी इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर मार्केट में है। UPSC क्रैक करते हैं? नहीं, वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो अब सोचिए कहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर आप एक सीरियस थाट देंगे ना, हर जगह आपको कॉम्पिटिशन नज़र आएगा। ऐसी कोई फील्ड ही नहीं है दोस्तों जिसमें सक्सेस हो लेकिन कंपटीशन ना हो, यकीन मानिए। आप एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जॉब देख लीजिए, हर जगह आपको कंपटीशन मिलेगा, राइट? आप एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लीजिए, वहाँ कंपटीशन है। उस रेस्टोरेंट या किसी रेस्टोरेंट में शेफ़ के लिए अप्लाई करिए, वहाँ कंपटीशन है। कहाँ कंपटीशन नहीं है आप मुझे बताइए? और अगर कंपटीशन नहीं है तो सारी दुनिया वो फील्ड ना चुन लेती, सोचिए आप। तो इसका मतलब जिस चीज़ की डिमांड है दोस्तों, उसमें कंपटीशन है, जिसकी डिमांड नहीं है उसमें कंपटीशन भी नहीं है। तो ऐसा कुछ क्यों करेंगे अपन जिसकी डिमांड ही नहीं है और हम एक अकेले राजा उस फील्ड के अंदर होंगे? नहीं है ना पॉसिबल। तो फिर अगर हम ऐसे सोचेंगे कि जहाँ कंपटीशन ना हो वहाँ हम जाएं, तो फ्रेंड्स हम कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे, हम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। समझिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए लाइफ में एटलीस्ट शुरुआत करनी तो ज़रूरी है ना। सोचिए, एक क्रिकेटर भी जब क्रिकेट खेलने जाता है, जब पहली बार वो ग्राउंड में जाता है, तो उसके भी अपने कुछ एम, अपने कुछ सपने होते हैं। हर कोई विराट कोहली बनना चाहता है, एटलीस्ट कोशिश तो करता है ना, बन पाए नहीं बन पाए वो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट वो एफर्ट्स डालता है, शुरुआत करता है, प्रैक्टिस करता है। कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है तो वो ये उम्मीद से खोलेगा कि एक बहुत बड़ी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स बनाएगा। तो फिर हम IT के स्टूडेंट्स हैं, हम प्रोग्रामर्स इसमें पीछे क्यों रह रहे हैं? क्यों नहीं हम एक शुरुआत करते हैं ये सोचते हुए कि आगे हमें भी अपने करियर में अच्छा करना है? और ये प्रूवन पाथ है, इस पे लोग सक्सीड हुए हैं, इस पे लोगों ने अच्छे अच्छे अपने सक्सेसफुल फ्यूचर बनाए हैं, तो क्यों हम लोग इतना पीछे हट रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं IT के अंदर अब वेबसाइट्स बनना बंद हो गई हैं, जितनी ऐप बननी थी बन गई, जितनी वेबसाइट बननी थी बन गई, वेब डेवलपमेंट सैचुरेटेड हो गया, वहां पे कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक कंपनी ने अपनी वेबसाइट बना ली है, वेब एप्लीकेशन बना ली, अब उसके बाद उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत गलत है ये थॉट। IT में वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाना जितना मुश्किल है ना, उससे ज्यादा मुश्किल है उसे मेंटेन और अपग्रेड करना। आप मानते हो IT एवर चेंजिंग इंडस्ट्री है? आज से 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी, 10 साल बाद उसकी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो क्या वो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी वेबसाइट में यूज नहीं होगी? आप सोचिए, पहले SQL खूब चलती थी, आपने देखा होगा पिछले 8-10 सालों में NoSQL का जमाना आ गया है, तो क्या प्रोजेक्ट्स अब NoSQL पे माइग्रेट नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। कौन करेगा माइग्रेट? कैसे होगा इनका कोड डिजाइन? पहले मल्टी पेज एप्लीकेशन बना करती थी, जब से रिएक्ट और एंगुलर पॉपुलर हुए हैं, कई सारी एप्लीकेशन सिंगल पेज एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गई हैं। फ्लिपकार्ट में कई बार एग्जांपल देता हूं, फ्लिपकार्ट ने अपने कोड बेस के अंदर रिएक्ट को यूज करना स्टार्ट करा है। पहले तो फ्लिपकार्ट में रिएक्ट नहीं होती थी, अब कैसे रिएक्ट आ गई है? तो आप समझिए, IT एवर चेंजिंग इंडस्ट्री है। आप अगर अपने आप को IT के हिसाब से अपस्किल करते हैं, इन डिमांड टेक्नोलॉजीज के हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को AI के साथ फ्रेंडली बनाते हैं, AI यूज करना सीखते हैं, ML यूज करना सीखते हैं, WebD में इन चीजों को यूज करते हैं, 100% आपके लिए स्कोप है। तो फ्रेंड्स, IT में बहुत काम है और इस काम में कभी कमी नहीं आएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी। प्रॉब्लम पता है कहां है? प्रॉब्लम यह है कि आप अपने आप को उतना अपस्किल नहीं कर पा रहे हैं कि आप इन डिमांड्स को पूरी कर पाएं, आप इन चीजों में अपने आप को फिट कर पाएं। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं ना, फ्यूचर आपके लिए बहुत ब्राइट है। तो मेरी आपको ये सलाह है, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव वीडियोस से दूर रहें, अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करिए। उनसे बिल्कुल डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है जो खुद बहुत नेगेटिव बातें करते हैं।
अपस्किल करिए अपने आप को, प्रोजेक्ट्स बनाइए, टेक्नोलॉजी को समझिए, टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली होइए और आप देखिएगा डेफिनेटली फ्यूचर विल बी वेरी ब्राइट फॉर यू। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज फिल्ड विद अनस्किल्ड डेवलपर्स और यकीन मानिए सबसे पहले यही वाइप आउट हो रहा है। जो 2022 में इतना बड़ा इनटेक हुआ था ना, किसको कुछ भी आता हो ना आता हो कंपनी ने उसको उठा लिया था। दीज आर द वंस जिनको अब कंपनी हटा रही है और हमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बहुत जबरदस्त रिसेशन आ गया है। नो डाउट कुछ स्किल डेवलपर्स की भी जॉब्स जा रही है बट उनको दूसरी जॉब मिल जाएगी थोड़ा सा एफर्ट डालकर, पर उनका क्या होगा जो पहले भी अनस्किल्ड थे अभी भी अनस्किल्ड है। तो ये सारी बातें छोड़िए, सारी नेगेटिविटी हटाइए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, अपने आप को अपस्किल कीजिए एंड डेफिनेटली यू कैन गेट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। हर कोई अच्छी जॉब पाना चाहता है, हर कोई मौज मस्ती करना चाहता है लाइफ में, लेकिन बहुत कम लोग हैं दोस्तों जो अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं। और यकीन मानिए अगर आपके पास स्किल्स हैं आप सबसे आखिरी पर्सन होंगे जो किसी भी रिसेशन में इफेक्ट होंगे, और अगर हो भी गए ना देर आर न्यूमरस अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए ओपन रहेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, आपके दिमाग से नेगेटिविटी हटी होगी, आप मोटिवेट हुए होंगे और आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी तैयारी अपने आप को अपस्किल करने में जुड़ जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।